आज के हम बात करेंगे Realme X7 Max 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के यूजर्स ने अपने डिवाइस को Android 12 और Realme 3.0 ऑफिशियल वेट को अपडेटेड तो कर लिया है। अब यहाँ पर वो वेट करें कि हमारे डिवाइस में क्या Android 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग सारी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme X7 Max डिवाइस के Android 13 अपडेट के बारे में बात करें। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका डिवाइस अभी भी Android 11 पर रन कर रहा है तो आपको अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करना है। उसके बाद आपको आपके डिवाइस में Android 12 का ऑप्शनल अपडेट शो हो जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में शो होगा। अब बात कर लेते हैं Android 13 सपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि Realme की ओर से जो भी अभी डिवाइस Android 12 के लिए एलिजिबल है, उनको यहाँ पर अर्ली एक्सेस देने के बाद यहाँ पर सारे डिवाइस को अर्ली एक्सेस दिया जाएगा, और स्टेबल अपडेट देने के बाद यहाँ पर फिर Android 13 पर वहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा लॉन्च इवेंट, जो कि यहाँ पर 2 मंथ बाद देखने को मिलेगा Realme की ओर से। पहले लॉन्च इवेंट होगा, और आपको Android 13 का लॉन्च इवेंट होने के बाद यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आपके डिवाइस का नेम डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि Realme X7 Max से जो 5G डिवाइस है, यहाँ पर ये लेटेस्ट डिवाइस है और हाई रेंज का फ़ोन है। यहाँ पर इसे एक मेजर रोज अपडेट और दिया जाएगा, तो आपका उस रोड मैप में नाम देखने को मिलेगा। और उसके बाद हर मंथ में एक यहाँ पर डेट या फिर आपका नेम, डिवाइस का नेम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में जो भी Android 13 का जो अर्ली एक्सेस कब तक देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपको Realme UI 3 4.0 या फिर 5.0 देखने को मिलेगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिस दिन भी लॉन्च इवेंट होगा उसी दिन Realme UI वर्जन का भी पता चलेगा। तो तब तक आपको एक्टिव रहना होगा और अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना होगा, ताकि जब भी यहाँ पर अर्ली एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा Android 13 का, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सको। यार इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।